Hello viewers, welcome to my channel, it is Paromita's Delight. तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का vlogging. This is my first vlog. तो सबसे पहले मैं start करती हूँ, आपको दिखाती हूँ मेरा morning routine कैसे क्या होता है. तो सबसे पहले चलिए मैं shower लेके आती हूँ, उसके बाद start करते हैं vlogging. Hey guys, I'm back. तो मेरा नहा के हो गया है, अब हम आगे का रूटीन स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले जो मेरे कपड़े हैं, दिन के जो भी कपड़े निकलते हैं, वो मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ. उसके बाद मैं अपने आगे का रूटीन जो है वो स्टार्ट करती हूँ. तो चलिए हम दिखाते हैं आपको. तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में. अब मेरा नेक्स्ट काम है कि मुझे किचन में जाना है और देखना है कि मुझे आज क्या बनाना है. एक्चुअली मुझे उठने में आज थोड़ा लेट हो गया और मैंने व्लॉग भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया है. तो मुझे आज अपने हस्बैंड को लंच में जो देना था, मैंने वो पहले ही बना दिया. जैसे मुझे कड़ी उनके टिफ़िन में पैक करना था, तो मैंने कड़ी बनाकर सुबह ही रख दिया था. बट अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ और भी बना लेती हूँ साथ में. तो मैं जीरा आलू बनाऊँगी. तो उसके लिए मैं अभी आपको जो व्लॉग अपना दिखाने वाली हूँ आगे का, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि सिंपल घर पे जीरा आलू हम कैसे बनाते हैं. आई नो दैट मोस्ट ऑफ़ यू गाइस नो दैट कैसे बनाते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल रेसिपी जो मेरी रेसिपी है. एंड बहुत ही इजी होता है. तो मैंने आलू पहले से ही बॉयल करके रख लिया है, बस मुझे जीरे का छौंक लगाना है और जीरा आलू बनाना है. तो चलिए, ये सिंपल सा लंच है, चलिए आपको दिखाते हैं. कड़ी मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो मैं उसका रेसिपी जो है वो आपको मैं किसी और दिन दिखा दूँगी. आज मैं आपको जीरा आलू की रेसिपी दिखा. It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue, are you, are you, are you?
तो मेरा लंच बन के रेडी हो चुका है और लंच का टाइम भी हो चुका है। अभी आई थिंक 1:15 और 1:30 बज रहे हैं, तो चलिए हम चलते हैं और प्लेट्स लगा देते हैं। तो मैंने प्लेट लगा दी है। आई नो यू गाइज आर रियली वेरी कन्फ्यूज कि ये तीन प्लेट्स तीन तरीके से क्यों लगी हुई है। एक्चुअली दिस प्लेट इज़ माई फादर इन लॉज प्लेट, तो वो रोटी ही खाते हैं दोपहर के टाइम पे कढ़ी के साथ में, तो फिर उनके लिए रोटी। और दिस वन इज़ माई मदर इन लॉज प्लेट, वो रोटी के साथ उन्होंने बोला वो चावल भी लेंगी थोड़ा, तो उनको थोड़ा सा मैंने राइस भी दिया। एंड मैं कढ़ी के साथ में राइस खाना प्रेफर करती हूँ, तो दिस इज़ माई प्लेट। तो चलिए अब हम लंच करने चलते हैं। तो खा के हमारा हो गया है लंच कंप्लीट। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।